आज के ये ऑक्शन स्टार्ट करने से पहले जितने भी डीलर भाई आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ब्लू जैक के ऑक्शन के रूल्स एक बार क्लियर कर देता हूँ। जितनी भी गाड़ियां आज आपके सामने यहाँ पे ऑक्शन होंगी वो एज इट इज बेस पे बेची जाती है, यानी कि जिस कंडीशन में गाड़ी आप अपने सामने देखेंगे उसी कंडीशन में गाड़ी बेची जाती है। कंपनी की तरफ से कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा काम खर्चा नहीं होता। दूसरी चीज ये, जो भी गाड़ी पे आप बिड जीते हैं या जो भी गाड़ी आप खरीदते हैं उसके ऊपर मिनिमम आपको 10,000 रुपये का टोकन उसी वक्त आपको सबमिट करना होता है हमारे यहाँ काउंटर पे। चाहे तो कैश में कर सकते हैं या बाकी मोड ऑफ पेमेंट पेटीएम यूपीआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी हम पे अवेलेबल है, उसके थ्रू भी आप पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। टोकन आपको 10,000 रुपये का टोकन उसी टाइम पे करना होता है जब आप बिड जीत जाते हैं। गाड़ी की जो डिलीवरी है आपको 2 दिन का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आपको गाड़ी की डिलीवरी लेनी होती है, यानी कि आज सैटरडे है। चाहे तो आप जो भी गाड़ी परचेस कर रहे हैं उसकी पूरी पेमेंट करा के आज ही डिलीवरी ले सकते हैं, या फिर आपको 2 दिन का टाइम दिया जाता है। संडे को हमारा यार्ड बंद रहता है तो आपको ट्यूसडे तक का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर जो भी गाड़ी आपने परचेस की है आज उसकी पूरी पेमेंट करा के आप डिलीवरी ले जा सकते हैं। जहां आती पेमेंट की बात, एक दिन में एक डीलर मैक्सिमम 1,99,000 रुपये की पेमेंट कैश में कर सकते हैं आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग। उसके ऊपर की कोई भी राशि आप बाकी मोड ऑफ पेमेंट यूपीआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी जितने भी गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको बाय हैंड नहीं दिए जाते, वो आपके एड्रेस पे कुरियर किए जाते हैं, इंक्लूडिंग ओरिजिनल आरसी। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बाय हैंड नहीं दिए जाते, आपके एड्रेस पे कुरियर किए जाएंगे। जो भी गाड़ी आप परचेस करते हैं उसके ऊपर आपको 5,000 रुपये जमा करने होते हैं जो आपके रिफंडेबल होते हैं जब आप गाड़ी ट्रांसफर करा के उसका या तो आरसी की कॉपी या फिर वाहन का स्क्रीनशॉट हमें प्रोवाइड करते हैं, उसके बेस पे आपको वो 5,000 रुपये रिफंड हो जाते हैं। अगर गाड़ी आपने किसी दूसरे स्टेट में बेची है तो सिर्फ एनओसी के बेस पे रिफंड नहीं किए जाते, जब नया नंबर चढ़ने के बाद जो आरसी की कॉपी आप हमें प्रोवाइड करेंगे उसके बेस पे रिफंड किए जाते हैं। बाकी गाड़ी में जितने भी चलान होते हैं चलान की जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेती। जो आपके कैटलॉग हैं इन सब में अगर कोई भी चलान, वाहन का चलान कोई भी मेंशन है तो हमने मेंशन कर रखा है। जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चलान होते हैं जिनसे ट्रांसफर में कोई इश्यू आपको नहीं आता वो वाले चलान हम मेंशन नहीं करते। अगर होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डीलर्स की होती है क्लियर कराने की, कंपनी चलान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। बाकी आखिरी रूल हमारा ये है कि कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि जिस भी नाम से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है आप ही के अकाउंट से पेमेंट आनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं करते। बस इसी के साथ पहली गाड़ी के साथ हम ऑक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सभी डीलर भाई को बता दूं जो ऑक्शन में प्राइस होते हैं वो हमारे स्पेशल प्राइसेस मात्र इस ऑक्शन के लिए होते हैं, ऑक्शन के बाद आपको सेम प्राइस में गाड़ी नहीं मिलती। अभी आपके सामने जो भी गाड़ी आएंगी बेस प्राइस के साथ आती हैं, उसके ऊपर आप एक भी बिड करते हैं तो आप गाड़ी परचेस कर सकते हैं। और ऑक्शन के लिए हम काफ़ी कम प्राइस से चालू करते हैं, ऑक्शन के बाद सेम प्राइस में गाड़ी नहीं मिलती किसी भी डीलर भाई को। तो याद रखिए कि आपको गाड़ी परचेस करनी है तो ऑक्शन के दौरान ही करिए, ऑक्शन के बाद हम कोई गाड़ी सेल नहीं करते। बस इसी के साथ पहली गाड़ी हम ऑक्शन के लिए आ रहे हैं।